फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हो सृष्टि की टिवारिया चैनल। तो देखिए, ये हमारा छोटा सा बिल्कुल प्लांट, हालांकि प्लांट तो बहुत सारे थे, लगाए भी थे मैंने, आप सबके साथ वीडियो भी शेयर किया था, बट ये कि छोटू सा प्लांट मेरा बचा हुआ है, मारी गोल्ड का जाफरी, जिस पर फ्लावर बर्ड जो है वो बनने लगी है। आपको दिख रही होगी, ये देखिए, मुझे धूप की वजह से दिख नहीं रही है, मैं अपनी फिंगर रख रख के आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और देखो नीचे की तरफ देख लो, मैंने इसको बोतल में लगाया है, और जो पॉट में लगाया था वो गिलहरी ने ख़राब कर दिया, और ये बोतल वाला सर्वाइव कर रहा है। तो बहुत जल्दी इस पर फ्लावर खिलने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन गार्डन लवर्स के लिए जो गार्डनिंग करना सोच रहे हैं, या गार्डनिंग करने का मन बिल्कुल बना लिया है, लेकिन किसी वजह से सोचते हैं कि हमारे पास मिट्टी नहीं है, हमारे पास पॉट नहीं है, हमारे पास खाद नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, और इतने सारे पता नहीं बड़े बड़े यूट्यूबर जो होते हैं, गार्डनर जो होते हैं, दिखाते हैं ये डालते हैं वो डालते हैं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊँ, क्या दिखाऊँ और कैसे गार्डनिंग स्टार्ट करूँ। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा वेस्ट किचन से जो निकलता है, एक ऐसा पोषक तत्व से भरपूर चीज़ दिखाने वाली हूँ, जिससे आपकी कम मिट्टी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, और उससे आपके प्लांट हेल्दी बनेंगे, और जो भी जितनी भी मिट्टी आपके पास है ना, वो उस मिट्टी को पोषक तत्वों से भर देगी, आपकी मिट्टी को उपजाऊ बना देगी। एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो विंटर में ही हमारे, इंग्रेडिएंट तो नहीं बोलूँगी, एक ऐसी सब्जी जो विंटर में ही हमारे पास होती है, और हम चाहो तो इसे पूरे साल कलेक्ट करके रख सकते हैं, एक ऐसी चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो के एंड में मैं आपको अपडेट भी दिखाऊंगी कि हमने कुछ दिन पहले एक सीड ग्रो किया था, उसका रिजल्ट क्या रहा, सीड ग्रो हुए हैं या नहीं हुए हैं। नॉर्थ इंडिया में बहुत भयंकर वाली सर्दी पड़ रही है, आज तो थोड़े सूरज देवता निकले हैं, तो चलिए एंड तक ज़रूर देखा करो वीडियो, और अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो घंटी का बेल आइकन आता है ऑल पे प्रेस कीजिए। तो चलिए फिर उस चीज़ को मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो हमारा खजाना जो सिर्फ हमें विंटर में ही मिलता है, हालाँकि बहुत से जने कहेंगे कि नहीं ये तो समर में भी मिल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल मिलता होगा, लेकिन फ्रेश जो होता है ना वो विंटर में ही मिलता है। तो ये है वेस्ट किचन वेस्ट मटर। आप सबको पता ही है मटर कितने पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो इंसानों के लिए तो ज़रूरी है, हमारे प्लांट के लिए भी ज़रूरी है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, प्रोटीन, जिंक, कॉपर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, खनिज पदार्थ भी होते हैं, जो आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो होती है ना उसको बढ़ा देता है, इम्प्रूव कर देता है। और इसमें विटामिन्स भी होते हैं, कुछ विटामिन्स पाए जाते हैं जो मिट्टी के लिए, हम सब के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। तो वो है विटामिन्स ए, विटामिन बी सिक्स, विटामिन सी, विटामिन के। इतने सारे पोषक तत्व वाले इस वेस्ट को हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करना। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेरा भाई बहन जो इसे देख रहा है ना, इस वाले चीज़ को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, गार्डन में आप इसका किस तरह से यूज़ करोगे, इसकी रेसिपी भी बनती है, अगर आप कमेंट करोगे तो मेरा जो व्लॉग वाला चैनल है ना उस पर मैं शेयर कर दूंगी कि रेसिपी कैसे बनती है। तो गार्डन में हम इसका कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो देखिए मैं समर का बता देती हूँ, ठीक है। आपके पास ये बहुत सारा आ रहा है, आप इसको अपनी छत पर डाल दो, सूख जाए, कहीं भी डाल दो, सूख जाएगा। तो जो समर होता है ना, कितना भयंकर वाला समर होता है, कितनी गर्मी पड़ती है, इसके सूखे हुए छिलकों से आप अपनी मल्चिंग का काम कर सकते हो, अपने पॉट की ऊपर की लेयर जो होती है उसको ढक सकते हो, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके पॉट की मिट्टी को सूखने नहीं देगा। दूसरी चीज़ है कि जब हमारे पास मिट्टी नहीं है, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला मिट्टी कम है, गमले बड़े चाहिए, तो हम कैसे करें, कहाँ से मिट्टी लाए, शहर जो होते हैं उनमें तो मिट्टी खरीदनी पड़ती है, तो कैसे करें जी, बहुत से कमेंट आने वाले हैं इस पर। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखिए इस तरह के जो वेस्ट होता है, सबसे पहले तो मटर ही ले लो, साग ले लो, ठीक है, विंटर में साग मटर भरपूर मात्रा में आते हैं, और इनका वेस्ट भी उतना ही ज़्यादा निकलता है, क्योंकि जितने मटर होते हैं, जितना साग होता है, उससे ज़्यादा उनका वेस्ट निकलता है। तो वेस्ट को आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे या फिर कैसे यूज़ करोगे गार्डन में, वो बता रही हूँ। देखो मेरे पास मिट्टी भी है, पॉट स्टैम्प पे नहीं है, क्योंकि सारे पॉट भरे पड़े हैं, तो एक छोटे से पॉट में मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रही हूँ आप क्या करोगे, ठीक है। सबसे पहले देखो मेरा खुद का तरीका जो है मैं वो बताती हूँ, बहुत से ऐसे करते हैं नीचे वेस्ट जो होता है उसको डाल देते हैं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं सबसे पहले नीचे बॉटम में कुछ मिट्टी की लेयर बनाती हूँ, इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई इसमें अपना कोई भी किचन वेस्ट डालेंगे, तो ये जो नीचे बॉटम में मिट्टी रहती है ना, मिट्टी नहीं है ना, तो सूखे पत्ते पड़े हों वो ले लो, वो भी नहीं है तो न्यूज़पेपर, कॉपी किताब का कुछ भी पड़ा हो वो ले लो, मतलब कि कुछ ड्राई मटेरियल जो होता है ना वो नीचे की तरफ होना चाहिए। मेरा खुद का
ये एक्सपीरियंस है कि अगर इस तरह से करोगे तो जो इसका लिक्विड निकलेगा ना ग्रीन पार्ट का, वो ये मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्ब कर लेगी तो नीचे बहने नहीं देगी और उससे हमें डबल फ़ायदे हो जाएंगे। तो ये देखो इस तरह से आप ऊपर तक इसको अपने पॉट में भर दो। मेरा पॉट तो 4-5 इंच का है, और अगर आपके पास बड़ा सारा पॉट है तो आप इस तरह से कलेक्ट करते रहो। जब बहुत सारे हो जाएं तो बड़े पॉट को भी आप इस तरह से भर सकते हो, आधे से ज़्यादा आप इसे भर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको रखती हूँ साइड में इस तरह से, देखो आधे से ज़्यादा जितना हो सके, जितने छिलके आपके पास है उतना इसको भर लो। मुझे इसी वीडियो में 2 से 3 तरीके आपको बताने हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा भर रही हूँ। इसके बाद देखो मिट्टी की उर्वरा शक्ति ये बढ़ाएगा, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो उसके लिए बॉटम में भी मिट्टी होनी ज़रूरी है, ऊपर भी मिट्टी होनी ज़रूरी है। इससे सारे पोषक तत्व हमारी मिट्टी में ही रह जाएंगे, और जब हम इसके ऊपर अपना प्लांट लगाएंगे तो वो प्लांट इसके सारे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की से बढ़ेगा, और आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। आपका प्लांट जो है फिर आपको, जो फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर देगा, फ्रूटिंग प्लांट है तो फ्रूट देगा, वेजी वाला प्लांट है तो वेजी देने लगेगा। एक तरीका तो ये हो गया, अच्छे से मिट्टी भर के पानी डाल के आप इसको 1-2 दिन के लिए छोड़ दो। उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे को बैठ जाएगा और फिर आप इसमें अपना कोई भी प्लांट लगा सकते हो। इस बार इस टाइम मेरे पास कोई छोटा प्लांट नहीं है जो मैं आपको इसमें लगा कर दिखाऊँ, सब बड़े हो चुके हैं, सब सेट हो चुके हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये, सॉरी पहला तरीका मैंने आपको बताया कि आप उसको सुखा लो और समर में आप मल्ची का काम कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया। थर्ड तरीका क्या है ये देखो, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा उसके लिए मुझे माफ़ करना, ध्यान से देखा करो, आपको समझाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो देखिए पानी ले लिया हमने, नॉर्मल पानी है ये, टैप वाटर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो छिलके हमने है ना ले रखे हैं, ये छिलके आप इसमें डाल दो, ठीक है। इस तरह से आपको ये छिलके इसमें डाल देने हैं, सारे पोषक तत्व जो हैं इसके वो आपके पानी में आ जाएंगे। और आपको एक और ट्रिक है इसमें, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र जब आपने बनाया है तो आप उसको क्या करोगे, डाइल्यूट करके डालोगे। तो आपको पानी ना है जो वो उसको ऊपर तक भरना है, ठीक है। मेरे पास अभी इतना ही पानी है तो मैं इतना डाल के आपको बताती हूँ। उसके बाद देखिए आपको गुड़ डाल देना है, गुड़ हम सबके घर में होता ही है। ये मैंने टेरेस पर अलग से एक छोटी सी डब्बी में करके रखा है ताकि मुझे नीचे ना जाना पड़े, या फिर कभी मैं मुझे वीडियो शूट करना है और उसके लिए फिर मैं भूल जाऊँ तो वो वीडियो भी रह जाए, और फिर नीचे जाके तो आप सबको पता ही अपना घर के इतने सारे काम होते हैं। तो उसको सॉरी माफ़ कीजिएगा, घर के चक्कर में मैं आपको वीडियो जो है दूसरी तरफ ही मुड़ गया। तो देखिए इस तरह से आपको गुड़ का कुछ पार्ट डाल देना है। गुड़ क्या है, जो इसकी गुडनेस है ना हमारे मटर के छिलके की, उसको बढ़ा देगा, और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। जितने भी पोषक तत्व मैंने आपको अभी बताए हैं वो सारे हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी हैं, तो वो सारे के सारे इस पानी में आ जाएंगे। और आप इसको मुश्किल से 2 दिन या 5 दिन के बाद इसको यूज़ कर सकते हो। मैं तो 5 दिन ही वेट करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम इसको लेड लगा कर रख देंगे, 5 दिन के बाद आप देखोगे ना ये बिल्कुल डार्क कलर का हो जाएगा, जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे हमारे पानी में आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है, मैंने जैसा कि आपको बताया आपको इसको डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। आप डाइल्यूट करोगे तो उसका बेनिफिट जो है ना प्लांट को कम मिलेगा। आप सीधे ही 5 दिन के बाद इस पानी को लो और अपने किसी भी प्लांट में डाल सकते हो। अगर आपको मेरी तरह थोड़ा सा डर लग रहा है तो आप इसको डाइल्यूट कर लेना। डाइल्यूट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, 1 मग पानी ले लो, 2 मग ये ले लो, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं मटर के छिलके का वेस्ट रीयूज़ करना, और इससे आपके प्लांट जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तो चलिए मैं अब आपको अपडेट दिखा देती हूँ। ये देखो गार्डन में धूप की बहुत ज़्यादा कमी है मेरे, आप देख लो जिस एरिया में मैं बैठी हूँ वहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं है, और अभी मुश्किल से 1 बजने वाला है, ठीक है। तो ये देखो हमने कुछ दिन पहले आपको, ये देखो क्या दिख रहा है आपको, छोटे छोटे से पौधे दिख रहे हैं ना, ये देखो बीट रूट मैंने आप सबको लगाना सिखाया था, ये उसी का अपडेट है, देख लो। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, आप कोशिश करते रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है, ठीक है। हालांकि अभी 2 दिन पहले मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए इसमें कोई सीड अभी तक ग्रो नहीं हुआ है, लगता है इसको हटाना पड़ेगा या फिर कुछ और सीड ग्रो करने पड़ेंगे, बट देखो थोड़ा सा वेट करने के बाद सीड ग्रो हो गए हैं। कारण सिर्फ यही है कि धूप टेरेस पर कम आती है और सर्दियां ज़्यादा पड़ रही हैं, ठंड ज़्यादा हो रही है। होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो घंटी का बेल आइकन आता है ऑल पे प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।